हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल किया, रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स की. इन ड्रॉबैक्स को आगे लेते हुए हम मूव करते हैं बोर मॉडल की तरफ. दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर इन 1913. बच्चों, इनका बर्थ जो है 7 अक्टूबर 1885 को हुआ और इनके स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम की जो स्ट्रक्चर जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1922 में. तो लेट्स सी व्हाट टू से द बोर मॉडल. तो इसके डिफरेंट देखो, बहुत सारा वर्क तो रदरफोर्ड ने कर ही लिया था. न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अरेंजमेंट सर्कुलर पाथ्स में बता दिया. तो उसी को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर बोर ने कुछ अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया. यानी ड्रॉबैक को अगर देखें, दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उन्हीं का एक्सप्लेनेशन बोर ने अपने मॉडल में दिया. तो राइट द मेन फीचर्स ऑफ द बोर मॉडल. फर्स्ट वही है जो रदरफोर्ड का था, दैट इज ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी मास इज प्रेजेंट एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तो कोल्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि वो रदरफोर्ड का काम था, उन्होंने कर दिया. द हैवी मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट at the center of atom in small space, that is nucleus. यहां nucleus का explanation necessary नहीं है क्योंकि nucleus Rutherford ने दिया था, वहां explanation करते हैं. Now यहां पर जो important thing है वो electrons का explanation है. इन electrons का arrangement किस तरह से होता है, तो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट शेल्स में वो भी सीखने को मिलेगा. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ which is called orbit. अब यहां आपको ध्यान रखना है कि इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट नेम दिया है. दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट. रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में हमने देखा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता है, जो एनर्जी है रेडिएट आउट करता है और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिरकर एटम को अनस्टेबल करना चाहिए, ऐसा कुछ उसके ड्रॉबैक में आता है. तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये डिस्क्रीट पाथ है. दैट मीन्स इनके रेडियस और इनके एनर्जी फिक्स होती है एवरी ऑर्बिट की. तो इनके एनर्जी और जो रेडियस है वो फिक्स होने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पाथ से दूसरे पाथ में नहीं जा पाता. हाउ, लेट्स सी. दीज पाथ in which electron revolve are discrete with fixed radius and energy. These are also called energy shells or energy levels. क्लियर. तो ये जो ऑर्बिट है वो डिस्क्रीट होते हैं विद द फिक्स अमाउंट ऑफ रेडियस एंड फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और इनको हम बोलते हैं एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स. नाउ बच्चों, अब अगर मैं बोर के अकॉर्डिंग एटम के स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले हम एक तरह से इसका लुक देख लेते हैं कैसा होता है. दैट इज न्यूक्लियस और जो सर्कुलर पाथ्स बताए हैं बोर ने कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको ऑर्बिट नेम दिया है. तो दीज आर लाइक सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स.
तो इस तरह के पास आपको बनाने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 पाथ में ये बना लेती हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है एंड दीज आर सर्कुलर पाथ, दीज आर सर्कुलर पाथ, दैट मीन्स ऑर्बिट। क्लियर? अब ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स है। इन ऑर्बिट्स को बोर ने नंबर दिया फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मैं चेंज कर लेती हूँ इसकी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड एटसेट्रा। दैट मीन्स हम जो इनर साइड में एटम के अंदर न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल है, एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, उसका नेम या उसकी नंबरिंग होगी 1, then 2, 3, 4, इस तरह से मूव करते हुए जाना है और इनफाइनाइट तक इनकी नंबरिंग हो सकती है। देन इसको नेम भी दिया, द फर्स्ट शेल इज नोन एज द के शेल, के, सेकेंड इज एल, एम, एन एंड देन सोन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स ऑफ द, जो कि इंग्लिश लेटर्स हैं अल्फाबेट्स, उसके अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग है। तो ये हो गई नंबरिंग और ये हो गई नंबरिंग और ये इनकी नेमिंग, तो एनर्जी शेल्स हो गए। अब इनकी एनर्जी को मैं इंडिकेट करूं, E1, E2, E3, E4 एंड एटसेट्रा। क्लियर? ये हो गई एनर्जी। तो हमने डायग्राम के थ्रू नंबरिंग, नेमिंग और एनर्जी शेल्स के बता दिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें रिटर्न में करना है, यानी नेक्स्ट हमारे जो भी पॉइंट था, थर्ड हमने कर लिए हैं, थ्री पॉइंट्स कर लिए हैं, नाउ फोर्थ इज द ऑर्बिट्स वॉज नंबर्ड एस 1, 2, 3 इनफाइनाइट एंड नेम्ड एस के एल एम एन। फिफ्थ है द एनर्जी ऑफ शेल्स, द एनर्जी ऑफ शेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग न्यूक्लियस टू आउटवर्ड। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव करते हैं तो इन शेल्स की एनर्जी रेज होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वी कैन राइट हियर E1 से ग्रेटर होगी E2, देन ग्रेटर होगी E3, ग्रेटर होगी E4 एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी का रेजिंग ऑर्डर हो गया, शेल्स हो गई, शेल्स के नंबर हो गई, नेमिंग हो गई। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व होकर न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरेगा। तो बोर के अकॉर्डिंग इन शेल्स की ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो जब तक बोर के अकॉर्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब तक उसके एनर्जी में ना तो लॉस होता है ना वो एनर्जी गेन करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट है या उससे पहले जो भी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी भी फिक्स है, यानी ऑर्बिट की एनर्जी सेम नहीं है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एट ए टाइम वो एक ही सर्कुलर पाथ पे या एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ, या फिर हम ऑर्बिट कह सकते हैं यहां पर, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट Neither lose energy and nor gain energy। ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तब तक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला। अब अगर उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो क्या होगा,
अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, यहाँ पर जो थर्ड नंबर का ऑर्बिट है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसको यहाँ रिवोल्यूशन कर रहा है, इसको नेक्स्ट अपने से फोर्थ ऑर्बिट में जाना है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हाई है, तो फोर्थ में जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि उस ऑर्बिट में उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके ये उस ऑर्बिट में जंप करेगा, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी ये उस ऑर्बिट में नहीं जा सकता। दैट मीन्स हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर उसको अपने से नीचे वाले शेल में जाना है दैट मीन्स वहाँ की जो एनर्जी है उस शेल की लेस है, तो ये एनर्जी इवोल्व करके बाहर निकाल कर जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को जंप करना होता है इनर या आउटर शेल में, वो एनर्जी का या तो लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा या एमिशन करेगा, विदाउट एब्जॉर्प्शन या एमिशन वो दूसरे शेल में नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर शेल इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन जंप टू इनर शेल इट loses energy the amount of energy that is gained or lost is equal to the difference is equal to the difference of two corresponding shells, यानी जिनको वो utilize कर रहा है उन्हीं shells का difference होगा। For example, when electron jump from second shell to third, it absorb energy equal to डेल्टा ई ई थ्री माइनस ई टू दैट इज इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा ई क्या हुआ, डिफरेंस इन द एनर्जी, डेल्टा इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू शेल्स। ई थर्ड क्या है, energy of third shell and E2 energy of second shell, clear? और similarly अगर वो अंदर जाता है तो भी यही difference है। H यहाँ पर Planck constant है, that was given by scientist Planck, and mu is the frequency of radiation, जिस radiation की वो energy release कर रहा है उसकी frequency है। तो you can write here H is Planck's constant, ये constant है तो इसकी value भी constant होती है जब numericals करेंगे आप higher classes में, जब ये utilize होगा। and mu is frequency of जो भी energy radiations release हो रही हैं, frequency of रेडिएशंस, क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में
रिवोल्यूशन करता है और फिक्स एनर्जी है तो उसी में रिवोल्यूशन करेगा, ऊपर वाले या नीचे वाले में जब भी जाएगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा विदाउट एब्जॉर्प्शन और एमिशन, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जंप नहीं कर सकता। बच्चों इसके बाद बोर ने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टडी करना है, उसके साथ वैलेंस भी स्टडी करना है, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। अब इसके साथ हम अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, क्योंकि हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हो गई, चैडविक ने कर ली थी 1932 में, अरेंजमेंट हमने कर लिया मॉडल्स का। इसके ड्रॉबैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में बोला जाए तो वो आपके मतलब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उसको स्टडी करें, वो आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट वाज गिवन बाय मोज़ले इन 1913। अब बच्चों ये टॉपिक हमारा सिर्फ समझने के लिए है। एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर भी बोल दिया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उन प्रोटॉन्स के नंबर ही एटॉमिक नंबर होती है, और हर एटम के लिए हर एलिमेंट के लिए फिक्स होती है, दूसरे एलिमेंट से ये कभी चेंज या कभी मैच नहीं करती, यानी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम कभी नहीं होगा। ये स्पेसिफिक होता है, यानी वो एक तरह से उसकी स्पेसिफिक पहचान होती है किसी एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज इंडिकेटेड बाय जेड, यानी कैपिटल जी लेटर से इसको इंडिकेट करते हैं। इट इज डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगी, हर एटम की बात नहीं कर रही हूं, एक एलिमेंट के तो बहुत सारे एटम हो सकते हैं, हर एलिमेंट की डिफरेंट होगी। जैसे कार्बन की बात करें तो 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी 6 प्रोटॉन है, वो कभी मैच नहीं करेगा दूसरे एलिमेंट से। नाउ नेक्स्ट इज द मास नंबर। अब यहां पर हमने एग्जाम्पल डाल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6। अब अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होगी। इन ए न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम एज प्रोटॉन्स। नाउ नेक्स्ट इज द मास नंबर। मास नंबर मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके सम को हम बोलते हैं मास नंबर। तो यहां पर जो इंडिकेशन है इसका सिंबल इज ए, तो ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास बोला है, मास नंबर बोला है मैंने, मास नहीं बोला ओनली, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मास की बात करें हम किसी एटॉमिक मास की, दैट विल बी इक्वल टू द मास नंबर, उसी से निकलेगा। बट मास एक नंबर है, दैट इज होल नंबर, जबकि जो मास है एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी आता है। इट इज होल नंबर वैल्यू, इट इज होल नंबर वैल्यू। अब इसका सिंबल बनाए हम, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, एन फॉर न्यूट्रॉन, जेड प्लस एटॉमिक नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, ए फॉर मास नंबर। तो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया। यहां से हम अगर कोई भी दो थिंग गिवन है तो थर्ड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे जो एलिमेंट है, यहां पर हमारा जो है एटॉमिक नंबर आएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, एक्स, क्लियर। तो यहां सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और यहां मास नंबर, और वी कैन से एक्स, ये जेड और ये ए, क्लियर। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, इसे इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर ये जेड एटॉमिक नंबर और वो मास नंबर। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, या फिर मैग्नीशियम है, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12, ऑक्सीजन का सिंबल है O, एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एटॉमिक नंबर है इसका 12 एंड मास नंबर है 24। तो इस तरह से हम किसी एलिमेंट की आइटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई आपके सामने पिक्चर गिवन है और फोटो है तो क्विकली आप अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर जो है कई बार होता है कि इस साइड भी गिवन होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए जो ऊपर है वो मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है और ये पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके आप न्यूट्रॉन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो ये फॉर्मूला यानी न्यूट्रॉन हमारा हो गया एन इक्वल टू ए माइनस जेड। जेड हमें किसी भी एलिमेंट के लिए पता होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी उसका याद होना चाहिए।
और उससे उसके न्यूट्रॉन नंबर हम निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बनाया गया है तो भी हम इस बेसिस फॉर्मूला के बेसिस पे जो टू थिंग्स गिवन है और वन जो अननोन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अबाउट द बोर मॉडल, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर।